Chamanlal Sethi Export was incorporated in Amritsar, Punjab. Mr. Chamanlal Sethi and his son, one of the oldest rice millers, come exporter of basmati rice of all varieties from India. हाँ, that is true. ठीक है, और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन और क्या है? प्रोडक्ट, इट हैज़ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं इनके बहुत सारे अलग अलग, और उसके बाद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव, पेस्टिसाइड्स फ्री, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, न्यू प्लांट. चलो अब एक काम करते हैं, ज़रा सीधे कंपनी का डेटा देखते हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर. ठीक है, 550-600 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का P9 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, 30 का है. देखो अब ये कितनी मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर OPM, यहाँ पर OPM कितना है? 10% का. प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 की, प्रमोटर होल्डिंग 73 की, सेल्स ग्रोथ 3 सालों में 4% और सेल्स ग्रोथ 5 सालों में 12%. ये अंतर क्यों आ रहा है, इस बात को समझना. पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ी है क्योंकि 3 सालों में 2 साल कोविड के थे. 5 सालों में सेल्स ग्रोथ 12% बढ़ी है क्योंकि 5 साल में 3 साल नॉर्मल थे. ठीक है, तो कोविड वाला पार्ट अगर आप हटा दो तो भी कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी हुई है. ओके, अब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखना. ये रहा प्रॉफिट ग्रोथ, 3 सालों में 26% और प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में 17%. डेटा अच्छा है. ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखना तो टॉप लाइन 2016 में जो तकरीबन 500 करोड़ थी, वहां से बढ़ते हुए टॉप लाइन अब 848 करोड़ हो गई है. ग्रोथ धीमी है बट अच्छी है. ठीक है, देन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ध्यान से देखना, जो आमतौर पर 13-14% के करीब रहता है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60 करोड़ से बढ़ के तकरीबन 118 करोड़ हुआ है, अच्छा है. ग्रोथ धीमी है बट है, 50% के करीब जंप है पिछले 5-6 सालों में. चूंकि कंपनी जिस बिज़नेस के अंदर है, कमोडिटी बिज़नेस के अंदर, यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, और कॉम्पिटिशन के साथ साथ, एक मिनट, एक तो कंपटीशन ज़्यादा है और कंपटीशन ज़्यादा होने के साथ साथ में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं. अंतिमा मैम, TTM का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ्स. ठीक है, यहाँ से 12 महीने का जो अंदाज़ा लगाते हैं वो है. ओके, देन नेट प्रॉफिट कंपनी का तकरीबन 40 करोड़ था, वहाँ से बढ़ते हुए 2017-18 का हम लोग देख रहे हैं, 40 करोड़ से बढ़ते हुए कंपनी इस समय करीब 82 करोड़ यानी लगभग डबल हो गया है. ठीक, डिटेल में फिर सोना BLW का रात में पढ़ेंगे ये सेशन खत्म होने के बाद. बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट 10 करोड़ का है जो कि स्टैटिक है. कंपनी का कैश रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, 100 करोड़ से बढ़ते हुए 350 करोड़, और कंपनी का जो बरोइंग था बढ़ रहा है, 40 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ हुआ है, लेकिन फिर भी जो कंपनी का कैश रिजर्व है उसकी तुलना में कम ही है, तो ये एक अच्छी खबर है. ठीक है, देन कम्स कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब कंपनी छोटी हो तो इम्पॉर्टेंट है कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, जो कभी कभार पॉजिटिव रहा है. ओवरऑल छोटी कंपनी के अंदर आपको कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो नहीं मिलेगा. देन कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का बढ़ रहा है, ये एक बुरी खबर है. ठीक है, और स्टैटिक तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी का जो पैसा है वो फंसता है कंपनी में, साइकिल ज़्यादा करने के लिए नहीं मिल रहे हैं कंपनी को. और अगर कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ेंगे कंपनी के. ठीक है, जो कि एक बुरी खबर है. रोज कंपनी का ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास है, बढ़िया है, अच्छी खबर है ये. शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का लगभग 74% हिस्सा है, 74%. ठीक, ओवरऑल कंपनी का डेटा अच्छा है. अब इसमें करना क्या चाहिए, कायदे से इसमें करना ये चाहिए कि इसमें जाना चाहिए कंपनी की वेबसाइट पे, फिर देखना चाहिए कि राइस के वो कौन से ब्रांड्स हैं जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है. राइस के वो ब्रांड जो कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने का काम करते हैं, और क्या इनका किसी तरह का कंपटीशन भी है या नहीं. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. तो इस वजह से कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए. फिर उसके बाद ये देखना चाहिए कि भाई कंपनी के लिए एडवर्स सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती हैं.
ठीक है, कि जहाँ पर कंपनी के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कोविड का ये टाइम था, या फिर जिस पर्टिकुलर एक कंट्री में कहीं या दो तीन कंट्री में, ऐसा तो नहीं कि दो ही तीन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और उन कंट्रीज़ के साथ में अगर कुछ तमाशा होता है तो फिर पता चले कि इनका बिज़नेस अफेक्ट हो जाए, तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि ये गल्फ कंट्रीज़ में ज़रूर भेजते हैं, ठीक है। ओके, सो कंपनी ओवरऑल अच्छी है, रखनी चाहिए और एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। जो अवॉइड कैटेगरी में हम लोग डाल रहे थे कंपनी को, ये अवॉइड कैटेगरी में डालने वाली नहीं है, ये कंपनी अच्छी है, पढ़ने लायक है।